पाली समस्त मुस्लिम समाज ने आदिवासी बहुल क्षेत्र बाली से कल आए अनूप मंडल के प्रदर्शन को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में सदर मुस्लिम समाज हकीम भाई के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि अनूप मंडल द्वारा जहां वैक्सीनेशन अभियान का विरोध किया जा रहा है, वहीं जैन समाज को भी टारगेट कर जिले में सामाजिक माहौल खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञापन में अनूप मंडल के खिलाफ कोविड 19 अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही करने की भी मांग की है। समस्त मुस्लिम समाज ने कहा कि जहां पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित है तथा लोगों को वैक्सीनेशन के जरिए बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में अनूप मंडल इस अभियान का विरोध कर अनपढ़ लोगों को गुमराह करने में लगा हुआ है। ज्ञापन देने में पाली से ब्लॉक अध्यक्ष पार्षद महबूब भाटी, टी रफीक गोरी, हाजी मोहम्मद साहिद, अनवर हुसैन मौजूद रहे। इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया है, 17 तारीख को अनूप मंडल ने कोई ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को? एक समाज को टारगेट बनाकर और वैक्सीन का टारगेट बनाकर, पूरा माहौल तो वैक्सीन में, पूरी दुनिया में वैक्सीन का चल रहा है और महामारी इतनी चल रही है कि लोग अस्पतालों भी, आज भी अस्पतालों में भर्ती है, वैक्सीन को लेकर टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार हमारे अशोक गहलोत दिन रात इसमें जुड़े हैं कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगे लोगों को, और उसका एक अनुपूर्ण मंडल इसका विरोध करता है और एक जैन समाज को टारगेट बना के ये विरोध करना, ये गलत बात है। प्रशासन से क्या मांग? हमारी प्रशासन भैया समझदा, यहाँ पे सब भाईचारा रहता है, छत्तीसी को हम साथ हैं, यहाँ पे कोई हमारा ऐसा नहीं है कि अलग है जैन समाज, हम हमारे व्यापारी संबंध भी है, अच्छे संबंध है उनके, छत्तीसी को हम उनके साथ हैं।